प्रधान साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त है ईस्ट के जो आमदार रहे रईस शेख, उन्होंने भी बोला था 2019 के इलेक्शन में कि टोरेंट पे हम भगाएंगे, टोरेंट को आईजीएम पे काम करेंगे, जबकि इन दोनों मुद्दों पे काम दिखाई नहीं दे रहा। एक 200 यूनिट कम कराने की बात करेगा, लेकिन टाटा पावर उसके अपोजिट में कोई यूनिट कम कराने के लिए कोशिश नहीं करेगी। आपके भाईचारे में टोरेंट है क्या? टाटा है, हमारे टाटा है, टाटा है। तो टाटा भिवंडी में क्यों नहीं था? अभी तो गवर्नमेंट में तो पानी सरकार में ना, अब आया हो तो सवाल करूंगा। तीन काम ऐसे बताइए जो जिससे भिवंडी बेच की जनता तरस्त और आप जीतने के साथ करें। प्रधान साहब क्या कहेंगे महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ का आपको समर्थन मिला? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उनके पदाधिकारियों का, इमरान भाई का, वसीम साहब का, कि जो महाराष्ट्र की दक्कन समाज है हजारों के हिसाब से लोग मंडी पश्चिम में भी है, उन्होंने हमको बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। राय वारिस भाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इनका पूरा समर्थन है यहाँ पर, और हमको यकीन है कि हमारी मजबूती और बढ़ती जा रही है और हम भारी अक्सरियत के साथ यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है भिवंडी की राजनीति समीकरण क्या लग रहा है आपको पश्चिम का? बस समीकरण ये है, हमारी जो फाइट है डायरेक्ट बीजेपी से और हम बीजेपी को हरा रहे हैं। 10 साल से जो बीजेपी के एमएलए बन के बैठे हैं उनके खिलाफ पूरी पब्लिक की नाराजगी आपको भी दिख रही है, हमको भी दिख रही है, जनता को भी दिख रही है, और जनता बिल्कुल हमसे मोहब्बत करती है, हमको दुआओं से नवाजती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो हर मुद्दे के ऊपर, मुसलमानों के, दलित भाइयों के, माइनॉरिटीज के हर मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करती है, हक की आवाज़ है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में हर तरफ मुसलमानों के, मजलूमों के, माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को उठाया है और हम लड़ते हैं। इनकी तरह हम खामोश नहीं बैठ जाते। जो सो कॉल्ड तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो है जिनको 90% मुसलमानों के वोट चाहिए मगर उनको मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं है, तो यहाँ की जनता ने सोच लिया है जब तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो हम तुमको वोट क्यों देंगे। अब वोट उसी को देंगे जो उनकी आवाज़ बनेगा, और आज भिवंडी की आवाम ने फैसला किया। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोग मान रहे कि यकीनन हमारी आवाज़ का अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसलिए वारिस भाई हम आपको वोट देंगे और जिताएंगे। प्रधान साहब तीन काम ऐसे बताइए जो जिससे भिवंडी बेच की जनता तरस्त और आप जीतने के बाद करें। देखिए काम तो तीन नहीं है, काम बहुत सारे है, लेकिन ये जो मेजर काम मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो ये रस्ते की आप हालत देखिए। इतने सालों से यहाँ पे लोग है, मेयर बन गए, मेयर की कुर्सी पे बैठे, आज वो लड़ भी रहे, उन्होंने क्यों काम नहीं किया? तो मेयर बन के नहीं काम किया, अब क्या काम वो करेंगे? दूसरा यहाँ पे पानी की जो किल्लत है, 5 मिनट में पानी आता है, कभी 10 मिनट आता है, उनको पानी खरीदना पड़ता है, तो पानी का मसला है। तीसरा जो मसला है टॉरेंट, इतना बिल इतना बड़ा है। अब मसले मैंने आपको बता दिया, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, सही रीत से अगर उस सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को आपने देखा तो सोल्यूशन निकल जाता है। और मेरे को यकीन है अगर मुझे यहाँ की जनता ने दुआओं से नवाजा, जिता के अवान असेंबली में भेजा इंशाल्लाह, तो मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ के अवाम को कि मैं जितने भी यहाँ के प्रॉब्लम्स है उसको इंशाल्लाह ताला एक एक करके पूरी तरह सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रधान साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त है ईस्ट के जो आमदार रहे रईस शेख, उन्होंने भी बोला था 2019 के इलेक्शन में कि टोरेंट पे हम भगाएंगे, टोरेंट को आईजीएम पे काम करेंगे, जबकि इन दोनों मुद्दों पे काम दिखाई नहीं दे रहा। देखिए उन्होंने वादा किया, दूसरे ने वादा किया, मैं झूठे वादे नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई हकीकत बयान करता हूँ। क्या हम आएंगे तो इंशाल्लाह असेंबली के अंदर जाके जो पत्ती का बिल है टोरेंट का उसमें हम 200 यूनिट कम कराने की बात करेंगे और करेंगे। लेकिन टाटा पावर उसके अपोजिट में कोई यूनिट कम कराने के लिए कोशिश नहीं करेंगे? टाइप अगर होता है ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के साथ नहीं है उनका टाइप तो कैसा ला सकते हैं? लेकिन इतना तो है, हम 200 यूनिट अगर कम कर दिए
पूरे मसले यहाँ के लोगों के हल हो जाएंगे। और हमको यकीन है वो आए हिंदुस्तान में दूसरी जगहों के ऊपर, मगर यहाँ पे किसी ने आवाज ही नहीं उठाई असेंबली में कि इतना कम करो तो कैसा होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जब असेंबली में जाऊंगा ऐसे जीत कर इंशाअल्लाह ताला, तो हम उठाएंगे आवाज और हम 200 यूनिट कम करने की मांग करेंगे सरकार के सामने। और कराएंगे आपके भाईजान में टोरेंट है क्या? टाटा है, हमारे टाटा है, तो टाटा भिवंडी में क्यों नहीं? अभी तो गवर्नमेंट, मैं तो था नहीं सरकार में ना, अब आया हूँ तो सवाल करूंगा यहाँ पे वो क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया।